नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल के डेटा को मल्टीपल तरीके से दूसरे डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं, या अपने मोबाइल के डेटा को हम से इंटरनेट दूसरे डिवाइस में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये क्या तरीका है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैंने अपने मोबाइल को आप लोग के सामने शेयर किया हुआ है। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम टेथरिंग बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू अपने मोबाइल के इंटरनेट डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली टेथरिंग क्या होता है? तो टेथरिंग एक तरीका है जो आप अपने मोबाइल को एज ए मॉडम जैसा यूज कर सकते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो मोबाइल के डेटा को आप के इंटरनेट डेटा को आप साझा कर सकते हैं। आप मल्टीपल डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल के इंटरनेट को आप यूज कर सकते हैं दूसरे डिवाइसों में। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है, तो इसके लिए हमको क्या करना है और कहां से हम इसको इनेबल करेंगे और किन किन तरीकों से इनेबल करेंगे, क्या लिमिटेशन है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे मैंने मोबाइल में अपने मैं सेटिंग में जाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सेटिंग में गया और सेटिंग के सर्च बॉक्स में, जो कि सेटिंग का सर्च बॉक्स है, इसमें मैं टाइप करूंगा टेथरिंग, TETHERING। आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने टेथरिंग करा, तीन तरीके की टेथरिंग दिखाई दे रही है, वाईफाई, USB और ब्लूटूथ। ये तीन तरीका है जो कि मोबाइल के डेटा को आप यूज कर सकते हैं। सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वाईफाई टेथरिंग। वाईफाई टेथरिंग क्या होता है? वाईफाई टेथरिंग को अगर हम आसान भाषा में कहा, जो हम ह्यूमन, जिस हम लोग जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में अगर कहें, तो इसको हम जनरली हॉटस्पॉट की भाषा कहते हैं। हॉटस्पॉट हम कहते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट। तो आप पर्सनल हॉटस्पॉट को क्लिक किया, यहाँ पर आप बताए देखो, पर्सनल हॉटस्पॉट आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये नीले, इसका मतलब कि मैंने मोबाइल के डेटा को से ही आपका अपना लैपटॉप मैं चला रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन है, अगर नीचे आप देख पाएंगे कनेक्शन मैनेजमेंट, वन डिवाइस कनेक्टेड, इसका मतलब मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। ये प्राय जनरली हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। आपके डिवाइस का नाम ऊपर दिख रहा है और नीचे पासवर्ड दिख रहा है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका, इसको हम वाईफाई टेथरिंग करते हैं, आसान भाषा में इसको हॉटस्पॉट टेथरिंग करते हैं। इसमें आपका मोबाइल एक होता है और मोबाइल के टेथरिंग को आप ऑन करते हैं, उसके बाद डिवाइस में उस मोबाइल के अपने मोबाइल को आप सर्च करते हैं, उसके बाद जो भी रेलेवेंट पासवर्ड आप डालते हैं, उसके बाद आप मोबाइल के इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड टेथरिंग क्या हुआ? दूसरा टेथरिंग है USB टेथरिंग। ये भी एक तरीके की टेथरिंग है। वाईफाई टेथरिंग और USB टेथरिंग में क्या फर्क है? तो वाईफाई टेथरिंग और USB टेथरिंग दोनों लगभग एक ही जैसा, फर्क बस इतने का, USB टेथरिंग में आपका मोबाइल एक USB केबल के माध्यम से कनेक्टेड होता है। किसमें? उस डिवाइस में, जिस डिवाइस में आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने लैपटॉप में इंटरनेट को यूज करना चाहता हूं, तो मैंने मोबाइल में एक केबल लगाया, मोबाइल में USB केबल लगाया, और दूसरा केबल जो है उसी केबल का दूसरा पोर्शन अपने लैपटॉप में लगाया। इस केबल के माध्यम से मोबाइल के डेटा को आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या टैबलेट में, जो भी डिवाइस आप यूज करना चाहते हो, उस डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी देखें USB टेथरिंग डिसेबल है, चूंकि USB टेथरिंग मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो USB टेथरिंग मैं लगा दूं अभी, तो USB टेथरिंग का डेटा आपको एक्सेस करके आप देख पाएंगे। ये हुआ USB। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस फर्क इतना है USB केबल का है। इसका मतलब मोबाइल का डिवाइस आपका वो USB केबल के माध्यम से लैपटॉप में कनेक्ट होना चाहिए, सिंपल सा। उसके बाद आप ऑन करेंगे, उसके बाद मोबाइल के डेटा को आप यूज कर सकते हैं। तीसरी टेथरिंग पर चलेंगे। तीसरी टेथरिंग जो है वो है ब्लूटूथ टेथरिंग। ब्लूटूथ, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ब्लूटूथ एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और हमसे सबसे पहले अपने डिवाइस को, अपने जिस डिवाइस में हमारा इंटरनेट है या जिस डिवाइस में हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दोनों डिवाइस को हम पेयर करते हैं। पेयर करने के बाद हमारा इंटरनेट का डेटा
हम उसको यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस को आप यहां से जाकर को ऑन कर दीजिए। जैसे आप ऑन करेंगे आपका ब्लूटूथ टेथरिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ टेथरिंग सिंपल काम करता है, सिंपल सा है कि आपके मोबाइल को उसे डिवाइस में पेयर होने की जरूरत है। अब ये कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, नहीं टेथरिंग तो तीन तरीके की देखी, तो क्या सभी टेथरिंग एक ही जैसे काम करती है या किसी का एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? बिल्कुल है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम वाईफाई टेथरिंग को ज्यादा यूज करते हैं, हम मोबाइल हॉटस्पॉट को ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करने का आसान तरीका होता है कि हमने ऑन किया और डिवाइस कनेक्टेड हो गया, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक है कि जब आप मोबाइल टेथरिंग को यूज करते हैं तो आपकी मोबाइल की बैटरी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा को वो मशीन दूसरी मशीन एक्सेस करती है, तो उसकी बैटरी कमजोर होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल टेथरिंग को यूज कीजिए। आप बेस्ट ये है कि आप यूएसबी टेथरिंग यूज कीजिए। यूएसबी टेथरिंग में कि आपका मोबाइल क्योंकि दूसरे डिवाइस से यूएसबी के माध्यम से कनेक्टेड है, इसका फायदा है कि एक इंटरनेट दे रहा है, एक तो फायदा है, दूसरा फायदा है कि आपका मोबाइल चार्ज भी हो रहा है कि जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड, उसमें चूंकि वो डिवाइस में यूएसबी के पोर्ट से लगा हुआ है, तो यूएसबी पोर्ट के लगे होने की वजह से आपका मोबाइल चार्ज भी होता रहता है। तो इससे आपको बैटरी पर उतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता, ये बैटरी आपकी रेगुलर चार्ज होती रहती है। लोड का मतलब ये है कि बैटरी आपकी रेगुलर चार्ज होती रहती है, बैटरी आपकी कमजोर होने के चांसेस कम होते हैं। ब्लूटूथ टेथरिंग, बहुत से लोग ब्लूटूथ टेथरिंग को नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है पेयर करना पड़ेगा, इसलिए ये जो है हम लीस्ट प्रायोरिटी पर इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला मैं रिकमेंड करता हूँ यूएसबी टेथरिंग नंबर वन पर, सेकेंड नंबर पर वाईफाई टेथरिंग, और थर्ड नंबर पर आप ब्लूटूथ टेथरिंग को यूज कर सकते हैं। क्या सभी में टेथरिंग में जब भी हम यूज करते हैं तो क्या कितने डिवाइस को यूज कर सकते हैं? तो ये एक प्रश्न अक्सर सभी लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई छोटा सा वर्कशॉप कर रहे हैं, 10-11 लोग एक साथ बैठे हैं उसमें यूज करते हैं क्या, या 25-50 लोग हैं, क्या सभी लोग आपके मोबाइल के डिवाइस के इंटरनेट को यूज कर सकते हैं? नहीं, इसकी लिमिटेशन। अगर आपके पास पुराना मोबाइल है, पुराना डिवाइस है, तो उसमें लगभग 10 से 11 या मान के चलिए 12 तक जो है आप डिवाइस को कनेक्ट कर पाते थे। नए डिवाइस में, नए मोबाइल डिवाइस जो आ रहे हैं, नए तरीके के जो मोबाइल आ रहे हैं, उसमें इसकी लिमिटेशन लगभग 30 से 32 मोबाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि पुराने डिवाइस से आप लगभग मैक्सिमम 11 और नए मोबाइल डिवाइस से लगभग 30 से 32 आप डिवाइस को आप टेथरिंग के थ्रू इंटरनेट दे सकते हैं। और लास्ट में ये कि इसके क्योंकि जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आप इंटरनेट को कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप किसी भी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट दे सकते हैं, इसका एडवांटेज है। ऐसा भी मैंने पहले ही बताया कि आप आपकी लिमिटेशन 11 पहले थी और 32 अभी करंट में है। तो ये कि मल्टीपल डिवाइस को भी आप इंटरनेट दे सकते हैं, ये भी एक तरीका का एडवांटेज है। तो ये दो एक मुख्यतः एडवांटेज है कि आप इंटरनेट किसी को भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, और है कि मैक्सिमम मिनिमम 11 से लेकर 32 तक डिवाइस को आप इंटरनेट दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप इंटरनेट देते हैं तो इसका मतलब कि आपका इंटरनेट का डेटा बहुत ही तेजी से कंज्यूम होता है। तो एक है कि ये एक डिसएडवांटेज है कि आपका जो मोबाइल का डेटा है वो काफी फास्टली कंज्यूम होता है, बहुत ही तेजी से कंज्यूम होता है। सेकंड चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपने मोबाइल के डेटा को आप हॉटस्पॉट के थ्रू को दे रहे हैं तो आपकी और 10, 11, 12, 20, 25 अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो आपकी मोबाइल की बैटरी पर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल तो आपकी बैटरी पर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, बैटरी आपकी कमजोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये होगा कि जब आपकी डिवाइस जो है बहुत बहुत से डिवाइस आपके इंटरनेट को यूज कर सकते हैं तो बहुत सी नेचुरल सी है, स्वाभाविक है कि आपका इंटरनेट का जो स्पीड होगा वो कम होगा। तो ये मैंने आपको एडवांटेज भी बताया, डिसएडवांटेज भी बताया, आपको बताया कि मिनिमम आप कितने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप एक कर सकते हैं, पुराने मोबाइल में 10-11 कर सकते थे मैक्सिमम, नए डिवाइस में आप जो है लगभग 30 से लेकर 32 तक जो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम नए वीडियो के रूप में फिर आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।